नामांकन स्थल पर भारी सुरक्षा के बीच प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए। बांदा सदर से बीजेपी ने प्रकाश द्विवेदी को प्रत्याशी बनाया है। आज प्रकाश द्विवेदी ने नामांकन का पहला सेट दाखिल किया। पूछने पर मीडिया को बताया कि भाजपा को किसी दल की कोई चुनौती नहीं है, अब की बार 300 पार के संकल्प के साथ चुनाव जीतेंगे। वहीं पर जनपद बांदा के तिंदवारी विधानसभा से सपा प्रत्याशी ब्रजेश प्रजापति ने नामांकन दाखिल किया और पत्रकारों से कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली, छात्रों को लैपटॉप, समाजवादी पेंशन, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था आदि सरकार बनने पर दी जाएंगी। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप चैन की रिपोर्ट। वर्तमान में भी आप बांदा सदर से विधायक हैं, इस बार किस तरह की चुनौती देख रहे हैं चुनाव में? आज पहला सेट नामांकन पत्र का हमने दाखिल किया है। रही बात चुनौती की, तो बांदा छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। एक बार फिर 300 पार के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आम जनता लड़ रही है और आम जनता की इस लड़ाई को देखने के लिए आप इंतजार करिए 10 मार्च को, जब रिजल्ट खुलेगा, है ना। कोई किसी से कहीं कोई मुकाबला नहीं है। डोर टू डोर प्रचार का मुख्य कारण क्या रहेगा? डोर टू डोर प्रचार तो हमने 17 में भी किया है, 5 साल भी हम डोर टू डोर रहे हैं, आवाज भी डोर टू डोर है। आम जनता के साथ कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि में आम कार्यकर्ता का भी अमूल चरित्र है। संगठन भी हमारे सभी बड़े वरिष्ठ डोर टू डोर जा रहे हैं। बांदा में किससे लड़ाई मानते हैं? कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई। समाजवादी पार्टी का दावा कि इस बार बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी, अब ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। उनका तो सुपड़ा साफ है, उनका तो सुपड़ा साफ है। समाजवादी पार्टी ये जो तमाम सपने अपने देख रहे हैं कहीं कोई मतलब नहीं। आम जनता जनार्दन ने इनके कुशासन को 12 से 17 के बीच में देखा। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान है, आप देखिए। मैं कह तो रहा हूँ कि आम जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। दल बदलू इस समय ज्यादा जहावी है, उस पर क्या कहेंगे? दल बदलू है, जहाँ घात लागे वहाँ आपस से ठीक जाते कहा। नामांकन किन मुद्दों को लेकर के आज मैदान पे आए हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज, आतंक राज से जनता त्रस्त और माननीय अखिलेश यादव जी के विकास मॉडल को पूरे प्रदेश की जनता पसंद कर रही है। हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों में पहले आप भाजपा के से में थे, इसके बाद में आप सपा में पहुंच गए हैं, इससे क्या जो है जनता में आक्रोश दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जनता में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दलितों, पिछड़ों, शोषितों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, आरक्षण की अनदेखी की, संविधान को बदलने का प्रयास लगातार उनके द्वारा जारी रहा, ओबीसी समाज की जातिगत आधारित जनगणना के लिए मोदी जी तैयार नहीं हुए, इन सभी से जनता त्रस्त रही। समाजवादी पार्टी के साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग ओबीसी समाज की जातिगत आधारित जनगणना कराएंगे। आपकी क्या है, आप क्या जो है विकास के राह पे क्या विकास करना चाहेंगे अपने जो है? जो माननीय अखिलेश यादव जी का सपना है, उस सपने का बुंदेलखंड हम लोग बनाने में सफल होंगे। बुंदेलखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, उस पलायन को रोका जाने के लिए यहाँ पर रोजगार के साधन क्रिएट किए जाएंगे। हमारे यहाँ पर अन्ना पशुओं से किसान त्रस्त है, उस अन्ना प्रथा से निजात दिलाया जाएगा। जो आवारा पशु घूम रहे उससे निजात दिलाया जाएगा। इस तरीके की ढेरों चीज़ें हैं, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, निःशुल्क बिजली हम लोग देने जा रहे हैं। बिजली के बिल बहुत आते थे गांवों में, शिकायत लगातार हम लोगों को मिलती रही, लेकिन सुधार कुछ नहीं हुआ। समाजवादी सरकार में 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने जा रही है, नौजवान साथियों को फ्री में लैपटॉप मिलने जा रहे हैं, समाजवादी पेंशन जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था, उस समाजवादी पेंशन को हम लोग दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। और वो 6,000 पहले मिलती थी, अब 18,000 रुपये सालाना प्रत्येक परिवार को मिलेगी। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात और हमारे संज्ञान में आई, आपको जिस दिन टिकट मिला था आपको चिल्ला में रोक करके कुछ लोगों ने जो काले झंडे के नारे लगाए थे, ये काले झंडे दिखाए, क्या मतलब हो रहा है? ये बात असत्य है, क्योंकि इस तरीके की कोई भी घटना मेरे सामने नहीं हुई है।
और ये जो भी लोग कह रहे हैं, मैंने उस वीडियो को देखा, उसमें हम भी उपस्थित नहीं है, फुटेज भी नहीं है, पता नहीं वो वीडियो कब का है, कहाँ का है, किन परिस्थितियों का है, ये संज्ञान में ही नहीं है। ठीक है।